अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट कलेक्शन। आज आपके साथ स्टूडेंट लर्निंग से रिलेटेड बहुत ही अमेजिंग उर्दू डेकोरेशन के आइडिया शेयर कर रहे हैं कि आप कैसे अपने क्लासरूम में उर्दू कॉर्नर तैयार कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए किस तरह उर्दू डेकोरेशन अपनी क्लासरूम में बना सकते हैं। सो बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन उर्दू क्लासरूम डेकोरेशन के आइडियाज़ आपके साथ लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपके साथ क्लासरूम डेकोरेशन के आइडिया शेयर करेंगे कि कैसे आपने अपनी क्लासरूम में डिफरेंट तरह की उर्दू की डेकोरेशन बनानी है, अपनी क्लासरूम में एक उर्दू का कॉर्नर आपने कैसे तैयार करना है ताकि आप स्टूडेंट्स के लिए उसमें हर सेमेस्टर के हवाले से उसमें स्टूडेंट्स के लिए आप डिफरेंट स्टोरीज़ और वर्डिंग लगा सकें ताकि उनके लिए भी ये आसानी हो, उनकी रीडिंग में भी ये आसानी हो। सो बहुत ही आसान पेपर आर्ट से बनने वाले आइडियाज़ हैं कि आपने कैसे स्टूडेंट्स को डिफरेंट वर्ड्स के बारे में बताना है। अगर प्री स्कूल के लिए आप चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने उर्दू के वर्ड्स, हरूफ तहजी और कैसे अपनी क्लासरूम में उनकी डेकोरेशन बनानी है, उनके लिए एक स्पेशल उर्दू कॉर्नर आपने कैसे तैयार करना है, सो उसके आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं कि आप किस तरह अपने क्लासरूम में उर्दू कॉर्नर तैयार कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को वन बाय वन आप किस तरह वर्ड्स के बारे में बता सकते हैं, अपने क्लासरूम में किस तरह आप फ्लैश कार्ड तैयार कर सकते हैं ताकि अपने क्लासरूम में जब भी स्टूडेंट्स को आप कोई वर्ड इंट्रोड्यूस करवाएं तो उससे रिलेटेड एक स्टोरी बनी हो, उसे बनने वाली जो चीज़ें हैं वो भी आप स्टूडेंट को एक्सप्लेन करें और आपने उन्हें बताने हैं ये कैसे वर्ड बनता है और उसे अपने क्लासरूम में स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ प्लान करनी है ताकि स्टूडेंट्स को ये वर्ड जल्दी समझ आ जाए और उसे उन्हें वो पढ़ना और लिखना आसानी से समझ आ जाए। तो बहुत ही आसान आइडियाज़ हैं, उम्मीद है कि आपको ये आइडियाज़ पसंद आएंगे। अब अपनी क्लासरूम में इस तरह के आइडियाज़ एक कॉर्नर अपनी क्लासरूम में ज़रूर स्टूडेंट्स के बनाएं, उन्हें भी अच्छा लगे और एक क्लासरूम में थोड़ा सा यूनिक सा टच आता है। उम्मीद है कि आपको ये आइडियाज़ पसंद आएंगे। इंशाल्लाह इस तरह के डिफरेंट आइडियाज़ के साथ फिर हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो अपनी क्लासरूम में भी इस तरह के आइडियाज़ बना सकें। इंशाल्लाह इस तरह के डिफरेंट अमेजिंग वीडियोज़ के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।